किए हैं, हम ही चाहते हैं कि आप लोग ही गलती कर जाए। हम यही बोल रहे हैं, सबको हम यही बोलते हैं, क्यों गलती करना है आप लोग, जो हम लोग गलती कर चुके हैं। हम लोग बिल्कुल बैकग्राउंड गाँव से हैं, ठीक है, जो समझ में आया हमने से पढ़े, लेकिन आप लोग का गाइडलाइंस जो हम लोग गलती किए हैं, जो गलती सक्सेस लोग को दे देता है सही है, लेकिन जो गलती करके भी सीखा है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा बनाएगा। हाँ, हम लोग क्या गलती किए हैं, दिमाग कुछ था नहीं, यही सोचते थे कि बहुत टाइम है आराम से पढ़ेंगे, और टाइम कैसे गुजर गया समझने में, कुछ असर क्या सब चला गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब नहीं रखना है। तो सर के अब गाइडलाइंस में है ना बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो यही मेरा क्वेश्चन हुआ, 2018 में हमारी से इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है, हुआ नहीं था, तो इसमें यूपीएससी में भी इसमें होगा, ठीक। और सर के बारे में यही है कि उनका अभी एल एल बी भी कर रहे हैं, बी टेक भी कर चुके हैं, पढ़ा भी रहे हैं, से बी ए भी किए हैं, लेकिन पढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि आजकल चला है ट्रेंड कि आप ऑफलाइन पढ़ेंगे कि ऑनलाइन, हाँ कि ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग हैं, तो आदमी सोचता है कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे घर में रखकर के बैठ के, लेकिन रियल पढ़ाई में होता है, ऑनलाइन के लिए ना आपको विल पावर मतलब इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, तब आप पढ़ पाइएगा। तो ऑनलाइन क्या नाम हुआ, आनंद, क्लास सब्जेक्ट बीएससी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, देखो कि मेरा भी ऑप्शन था तो बीएससी अभी भी ऑप्शन है, हाँ देखो कि उतना अच्छा नंबर तो नहीं होता है, लेकिन देखो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है इसलिए आप उसको लिख सकते हैं, नहीं भी जान गए तब भी आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा समझ गए तो, लेकिन और सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा तभी आप लिख पाइएगा। तो हाँ, हमारे कंफ्यूजन ये रहता है कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे ऑफलाइन, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और ऑनलाइन का इतना कोर्स हो गया है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए एक से कोचिंग मिलेगा, ठीक है, खोल दिया है सब चीज़, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई करना है ना, मेरे हिसाब से हम अपना हिसाब से बताएंगे कि ऑफलाइन ही सही होता है, हम ऑफलाइन पर भरोसा रखते हैं ऑनलाइन पर, क्योंकि ऑनलाइन से ना वो कॉन्सेंट्रेशन आप बना ही नहीं पाएगा, तो हम तो ये कहेंगे कि ऑफलाइन ही क्लास करिए, घर जाके सब्जेक्ट से पूरे बच्चे को देखना है देख लीजिए वीडियो में, हाँ, और किताब किताब पढ़िए, पीडीएफ मत पढ़िए, अभी पीडीएफ पढ़ता है मोबाइल में काम करके, किताब पढ़िए उसमें अंडरलाइनिंग करिए, उस पॉइंट मिला उसको एक कॉपी पर लिखिए, कलम हमेशा हाथ में रहना चाहिए पढ़ते समय, और एक कॉपी, ठीक है, नहीं समझ में तुरंत लिखिए, नया चीज मिला तुरंत लिखिए, ये नहीं कि हमको याद रहेगा, ऐसा लगता है ना ये नहीं चीज तो हमको याद रहेगा लेकिन अगला दिन भूल जाएगा, ठीक, तो कलम कॉपी पढ़ते समय हाथ में होना चाहिए, कोशिश करिए कि किताब पढ़िए, हाँ पीडीएफ मिलता है कभी कभार वो इमरजेंसी में रखिए, किताब ही पढ़ा करना चाहिए, किताब पढ़िए ज़्यादा सही रहेगा, ऑनलाइन करिए तो उस किताब को 3 बार ऑनलाइन किया रहेगा पढ़िएगा तो किताब भी अपना जैसा लगने लगेगा कि मेरा किताब है, हाँ किताब को डाउनलोड नहीं करिए, जैसे मेरे पास मैप का एटलस मेरे पास अभी भी 10 साल पहले होगा अभी भी वही है, हट गया पढ़ते पढ़ते कभी भी रखेंगे, कुछ अंडरलाइन है क्या इम्पोर्टेंस है इस जगह क्या इम्पोर्टेंस है इस जगह क्या है तो लिखा हुआ है मेरा, तो हम फिर बदलते हैं नया मैप ले आए नया किताब ले आए उसमें टिक किए हैं उठ गए, इसलिए किताब अपना जो है एक ही किताब रखी है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पढ़ी है, तो वो किताब किसी को देना भी नहीं है क्योंकि वो आपका अंडरलाइन किया हुआ है, हाँ तो अपने पास रख के उसी को बार बार पढ़ना है, किताब बदलना नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा किताब भी नहीं देना है, जैसे कि अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर, बस तो अभी सिंपल सर लक्ष्मीकांत अपन ले सकते हैं, हाँ और लक्ष्मीकांत रखिए और इसी को पढ़िए, सर जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वहाँ जाइए यहाँ घर पे या यहाँ भी लेके आइए, और क्लास में तो एक एक लाइन में मतलब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट टाइप दे दिया जाएगा या उसको समझा दिया जाएगा,
फिर आपको लैंग्वेज पूरा देकर पढ़ना है, उस चैप्टर में जाइए पढ़िए अच्छे से, अंडरलाइनिंग करके जो आपको वर्ड में समझ में आया उस वर्ड को आकर सर से पूछिए, हाँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब बहुत सारे तरीका है पढ़ने का, यही सब लोग करते हैं, मैं किए थे। अभी क्लास छोटा है सर में, एक नहीं हम लोग पास अनुभव सारे हैं, मतलब बहुत दिनों का अनुभव है, हम लोग हर फेज से गुजर चुके हैं, इसलिए हम लोग अच्छे से बताएंगे क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। ठीक है, और सर के बारे में बताए ही, इसके साथ साथ उनका पढ़ाने का तरीका हमको ये अच्छा लगता है कि एग्जाम्पल अच्छा देते हैं तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी का रोल बढ़ जाता है। हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, एक क्लास से ही पढ़ाई होना चाहिए अच्छे से। अगर आप आई से तैयारी जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हम भी एक आए इनके पास आए थे कल, हम लोग कोई प्लान नहीं था तो कल हम यहाँ कुछ काम से आए थे, गर्मी लगता है तो जीन्स वीन्स पहनते नहीं है, बहुत गर्म हो गया है। तो हम क्या बोल रहे थे, एट क्लास से पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, ऐसे सिक्स क्लास से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप अगर एट क्लास में पढ़ रहे हैं एट से ट्वेल्व तक एनसीईआरटी, तो आपको बता दें किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आईएएस जेपीएससी यूपीएससी किसी डीपीएससी जो भी है, आपका समझिए ना 70% जीएस कम्प्लीट हो जाएगा सिर्फ एनसीईआरटी से, बचेगा 30%। 30% में क्या आता है, करेंट अफेयर आएगा, कुछ यूपीएससी में इथिक्स आ जाता है, पेपर फोर आता है, वो जानते हैं सब सिलेबस करके कभी कभी सिलेबस आप अपने करवा रखते हैं। हाँ कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, मीटिंग का मेंस है, जेपीएससी में कौन कौन पेपर होता है, तो सबे कभी मतलब है कि एनसीईआरटी से कंप्लीट रहेगा उसका 60% 70% जीएस कंप्लीट है, बस उसको 30% पे ही काम करना है। तो जो 21-22 साल में आईएएस बनता है, रिजल्ट देखते हैं ना उसका कैसे बनता है, तो किसी साल में आईएएस बन गया कैसे बनना, क्योंकि उसका एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट रहता है स्कूल लाइफ में, बस वो आता है क्या पढ़ता है, ग्रेट अफेयर पढ़ता है, जो ये एडिशनल पेपर होता है एथिक्स फिजिक्स ये पढ़ लिया, हाँ और थोड़ा सा उसका माइंड डेवलप कर दिया कोचिंग में, समझ गया। तो सबसे बेसिक चीज होता है एनसीईआरटी, इसका भी कंप्लीट है कोई भी स्टूडेंट हो, वो 21-22 साल जाते जाते नौकरी मिलेगा, वो अच्छा नौकरी मिलेगा, ग्रेजुएटेड वो पे कर देगा। तो एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी के मार्क पे यही होता है।